हाथरस की तहसील सासनी नगर पंचायत के ईओ ने चलाया बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान, दुकानदारों को दी हिदायत। बाजार में हो रहे अवैध अतिक्रमण को नगर पंचायत ईओ सुदेश कुमार आर्य ने हटवाया। अवैध अतिक्रमण से बाजार में आने वाले लोगों को जाम का करना पड़ता था सामना। अभियान के दौरान ईओ ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को के काटे चालान। चालान कटते हुए दुकानदारों को ईओ ने दी हिदायत, कहा कि दुकानों का सामान दुकानों के बाहर ना रखा जाए। अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई को देख बाजार के व्यापारियों ने ईओ से मांगा एक दिन का समय। व्यापारियों ने कहा, हम खुद ही दुकान के बाहर रखे सामान को हटा लेंगे। ईओ ने व्यापारियों को समय देते हुए कहा कि अगर बाजार से अतिक्रमण नहीं हटाया तो शनिवार को फिर चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। इस दौरान तहसीलदार अनिल कुमार, कानून को शिवा यादव, कस्बा इंचार्ज एसआई सतीश चौधरी, अन्य पुलिसकर्मी और नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे। बाजार में जो लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, चार चार पाँच पाँच सात सात फीट से ही बाजार में लोग आते हैं, बाहर से उन्हें जान का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जो है चार दिन से मुनादी कराई जा रही थी, अवैध चिन्हांकन किया गया और तहसीलदार साहब को साथ में लेकर और पुलिस बल को साथ में लेकर जो है अवैध अतिक्रमण हटाने का जो है कार्य किया गया। साथ में व्यापार मंडल के भी वहाँ पे लोग आए, उन लोगों ने कहा कि सर हमें समय और दे दिया जाए, हम लोग अपना अतिक्रमण समय हटा लेंगे। तो क्या नोकझोंक हुई जो व्यापारी हो? नहीं, ऐसी कोई नोकझोंक नहीं हुई, कुछ लोगों के चालान भी हुए हैं और लोगों की आपसी सहमति से ही हमारे द्वारा एक दिन का समय और दे दिया जाए, हम अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। तो जो है हमने आज अपना अतिक्रमण अभियान को जो है वापस ले लिया है, कल का दिन छोड़ के परसों दोबारा जो है अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। नहीं, कल लेने गए थे, कल लेने गए थे, चालक का।